Kar, Murdabad! पंजाब सरकार के वालों वड़े वड़े वादे किए गए से घर घर नौकरी दी जाएगी नशा मुक्त किया जाएगा। अज नौजवानों के वालों डॉक्टर राजकुमार वेरका जो कांग्रेस विधायक ने उन्होंने कोठी के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा जिहड़ियां काले कापे साड़ियां वेख सकते हो कि 20 लाख नौकरियों का जिहड़ा वादा किया कितने वादा गया देख सकते हो तस्वीरों के आम पार्टी के नौजवानों के वालों जो वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा। एक ही गल कही जा रही है कि पंजाब सरकार ने कहा सी घर घर नौकरी दी जाएगी नशा मुक्त पंजाब किया जाएगा तो गलबात भी तो करांगे नौजवानों की कहना है उन्होंने। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम शिवानी शर्मा, यूथ दी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेजिडेंट। प्रदर्शन किया जा रहा है? हाँ जी, जो अज का प्रदर्शन आ पूरे पंजाब के यूथ वालों कहने का मतलब पिछे तुम सुनया होगा कि कैप्टन जी ने जिहड़ियां नौकरियां वंडन की जो अनाउंस किया वो अपने विधायकों के बच्चों ते मैं पिछे भी शायद दिखा चुकी हाँ तुहाडे मीडिया राही मैं दिखा चुकी सी कि कैप्टन जी ने अनाउंस किया है कि जेडे विधायक मर गए ने उन्होंने बच्चों को एक तहसीलदार एक डीएसपी मतलब करेंगे ते कहने का मतलब आ कि जेडे बाकी बच्चे ने पूरे पंजाब के वह बेरोजगार ने वह तुम कह रहे हो कि असं मेले लगाए ने मेलिया तो खज्जल हो जे नौरोजगार मेले ने जेडे एम एल ए जेडे जेडे मंत्रियों के बच्चे है वह कुछ कर नहीं रहे ना कोई कोई एजिटेशन कर रहे ने ना कुछ कर रहे ने उन्होंने बैठे बिठाए घर तुम नौकरियां दे रहे ने मतलब ऐ कोई को मतलब कपला है अंदर की है क्योंकि कांग्रेस का अंदर वैसे भी घमासान चल रहा है ते कांग्रेस दे सर दा कहना मैं 85% वादे पूरे कर चुका कितने कर चुके सानू दसन कितने कर चुके 4 साल खत्म हो गए है आ 5 साल रह गया 5-6 महीने रह गए है ते हुण इन्हां नू अपने वादे मतलब याद आंदे ने कि असीं वादे पूरे कर चुके सानू दसन ना सानू दसन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दसन ऐ चीजा कीतियां वा गूगल राही ओदे विच दसन ट्विटर मतलब अपना दिखान कि असीं ऐ चीजा कर चुके हैं रोजगार दे चुके हैं कर्जे माफ कर चुके हैं मतलब कुछ कीता ही नहीं है मतलब वादे दे वादे ही रह गए इन्हां ने गुटके ते हाथ रख के कसम खाई कि नशा खत्म कर देंगे 3 हफ्ते लक तोड़ दूंगा वह भी नहीं किया अज विधायकों के बच्चों तुम नौकरियां वंडन दे ते आ जिहड़े बच्चे मार रहे ने आ मेरे को बच्चे आए ने अपनी डिग्रियां नाल लैके आए ने वह जलान आए ने वह डिग्रियां कित्थे की करनगे दसो वह बच्चे पढ़े लिखे लगता कि इदा प्रदर्शन करना तुहाडा मसला हल हो सकता है? जरूर जी, साडा हक है, असीं जरूर करांगे, असीं ओपोजिशन दे विच आ, असीं जरूर रौला पावांगे, असीं पंजाब दी जिहड़ी जवानी है यूथ है ओहदे वास्ते जरूर लड़ांगे, साडा यूथ है ओह हमेशा यूथ लई लड़ेगा, आवाज चुकेगा ही चुकेगा। अज कितें प्रदर्शन कीता जाएगा? अज असीं पहले तो असीं कचहरी डीसी दे दफ्तर जावांगे, उस तों बाद मेमोरेंडम देण कि इह बंद करो नौकरियां देना। इत्थे इत्थे आए हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, इन्हां कोल तां आए हैं क्योंकि इन्हां दे जिहड़े मंत्री कह रहे हैं कि असीं जिहड़ा वा रोजगार दिता है कर्जे माफ किए ने असीं इहो दिखाना है कि कित्थे तुसीं दे बच्चों नूं नौकरियां वंड रहे हो तुसीं दे जिहड़े मंत्रियों के बच्चों नूं नौकरियां वंड रहे हो जिहड़े एक पासे तुसीं कह रहे असीं मेले लगाए सीगे रोजगार दिते किहड़े मेले लगाए ने किहड़े रोजगार दिते ते अज बच्चे मेरे नाल ना आउंदे अज अपनी डिग्रियां नाल लैके ना आउंदे जलान ना आउंदे। होर वी साडा हाँ जी, की नाम है? प्रिया जी। प्रदर्शन किया जा रहा लगता कि कितना कितने पंजाब सरकार ते असर होवेगा? होवेगा, क्यों नहीं होवेगा। हाँ, और भी मुझे। हाँ जी सर, की नाम है? मेरा नाम पलविंदर सिंह, मैं माजबाड़िया सर्कल इंचार्ज हाँ। एक कैप्टन सरकार एक यहोजी सिद्ध हुई आ कि मैं कहना वा कि जदों की 1947 तो बाद आजाद होया मुल्क यहोजी नखेधी की सरकार जेड़ी 4.5 साल हो गए अपने महलों चो नहीं बाहर निकले वह कहते 85% वादे पूरे करते सानू एक वादा पूरा करके विखा दियो कि जेड़े तुसी कहिंदे ही कि असी स्मार्ट स्कूल बनावांगे असी घर घर नौकरी देवांगे और जेकर नौकरी दिती है तो लीडरां दे न्याणियां नूं दिती है साडे वर्गियां नूं देखणी नौकरी मिली क्योंकि असी भी खुद फार्म भरे ही असी स्मार्टफोन देखदे पए आ अज तक स्मार्टफोन नहीं आए। कहना कि घर घर दे विच स्मार्टफोन पहुंच गए जिहड़ा अज कल जिहड़ा ऑनलाइन काम चल रहा बच्चे स्मार्टफोनां दे उत्ते कर रहे ने कैप्टन साहब दे? मैं कहना जी आ मेरे पिता जी ने मैनूं लैक दित्ता कैप्टन सरकार वाला तो मैं 4.5 साल हो गए उड़ीकता पाया हजे तक तो वह आया नहीं एक स्मार्टफोन वो तो अं उड़ीक करते हैं कि रब मेहरबान हो कि वो बुद्धि जी मत आवे तो वो सू स्मार्टफोन आन वो चीज़ नहीं आनी
होर भी साढ़े नाल मौजूद ने। सर किदा देख रहे हो किसान केंद्र दे नाल रहा, पंजाब दे लोक पंजाब सरकार नाल लड़ रहे हो, इहनू राजनीति किदा देख रहे हो? देखो राजनीति नहीं, असीं इत्थे जिहड़ा जिहड़ा साडा अज दा प्रोटेस्ट आ ओह हैगा जी जिहड़ियां सानूं नौकरियां इहनां ने कैप्टन सरकार ने अपने एम एल एआं नूं जां अपने मंत्रियां दे भतीजियां भणेवियां नूं दित्तियां होईयां ने, ओह जूथ दी कह लो वी जूथ दा हक आ उहदे ते उहनां दा हक आ जिन्हां नूं सही च तरस दे आधार ते मिलनियां चाहीदियां। इहनां ने इह कहा वी असीं तरस दे आधार ते दित्तियां, असीं अज जिहड़ा प्रोटेस्ट करन आए अपनियां डिग्रियां साड़न आए आ इक एम एल ए दे घर दे बाहर कि इह शायद साडा सुना कैप्टन सरकार तक पहुंचे। तुसीं एम एल ए दे घर दे बाहर डिग्रियां साड़े, तुसीं चंडीगढ़ भी जा सकदे सी। देखो जी चंडीगढ़ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਸਾੜਨਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 85% ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੀ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ। 85% ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ? ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।